Hey guys, welcome back to Pets Paradise. Myself Abdul Rahman back with a new video. So guys, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था, बना नहीं पा रहा था. मैं बहुत बिजी था और नया एक दुकान भी खोला था, क्वींस लेडीज शॉप है और फुटवेयर्स और गारमेंट्स का. सो उसलिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था. सो वीडियो उसके लिए टाइम दे नहीं पाया, सॉरी फॉर देट. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, आपके बर्ड्स वगैरह सब ठीक है. और ये देख सकते हैं मैंने इनक्यूबेटर बनाया. इसमें 22 तारीख फरवरी को मैंने अंडा रखा था और ये फर्स्ट इनक्यूबेटर मैंने अपने घर में बनाया था इसको टेस्ट करने के लिए. मैंने 20 अंडे रखे थे डक के. सो गाइज, अंडा रखने के बाद आपको दिन में 3 से 4 मरतबा इनको घुमा के देना पड़ेगा ताकि चिक चूज़े अंदर छिलके के साथ ना चिपके, और अगर चिपक जाता है तो वो बाहर नहीं आ पाएगा और उसका अंदर ही डेथ हो जाएगा, शेल के अंदर ही. और गाइज आप देख सकते हैं मैंने अंदर भी एक टेम्परेचर देखने के लिए और ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए एक टेम्परेचर नापने के लिए एक क्लॉक अंदर रखा जिसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी टाइम तीनों दिखाएगा. और टेम्परेचर आप देख सकते हैं 37.2 डिग्री सेल्सियस है और 46% ह्यूमिडिटी दिखा रहा है, जो कि 40 प्लस रहने से ह्यूमिडिटी 40 से 50 के अंदर रहने से अच्छा है. अगर 60 भी रहता है तो 55-60 भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 से ऊपर रहना चाहिए. लेकिन टेम्परेचर 37 डिग्री के ऊपर रहना पड़ेगा और 37.7 डिग्री इज़ द बेस्ट टेम्परेचर. उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट होता है जैसे कि मैंने सुना है. ये जेकोबिन का अंडा है, इसका अंडा देने के बाद इसका फीमेल मर गई थी, तो अभी मैंने इसको वहाँ से ला के यहाँ रख दिया है. लेकिन इसमें कोई, मैं एक हफ्ता हो चुका है लेकिन इसमें कोई डेवलपमेंट मैंने नहीं देखा. और आप देख सकते हैं यहाँ टेम्परेचर बाहर दिखा रहे हैं थर्मोस्टेट में 35.6 डिग्री, जब ये चल के 37.76 डिग्री हो जाएगा तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे. 37 डिग्री, 37.1, तो 37.6 डिग्री में ये लाइट्स ऑफ हो जाएगा और फिर जब टेम्परेचर 0.6 डिग्री या 7 डिग्री कम होगा, शायद मैंने 0.7 डिग्री रखा था, जब डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली लाइट्स फिर से ऑन हो जाएंगे. सो गाइस, काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद आज डे 27 है और एक दिन इंतज़ार करना पड़ेगा. इससे पहले आप देख सकते हैं कुछ अंडों में नज़र आ रहा है कि छिलके गिर चुके हैं और चूज़े के चोच नज़र आ रही है, बच्चे की चोच नज़र आ रहा है. जैसे ये आप जूम करने से देखेंगे, ये बच्चा बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा है और इसका चोच भी नज़र आ रहा है. सो फर्स्ट टाइम है, बहुत खुशी महसूस हो रही है. आप लोग ट्राई करके देखिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. और मतलब रेडीमेड इनक्यूबेटर के लिए ना जाएं, वो बहुत महंगा आता है. आप आपका कोई जानने वाले से ख़रीद ले या फिर आप ख़ुद बनाएं, तो इसमें बहुत कम पैसे में आपको इनक्यूबेटर भी मिल जाएगा और अच्छा खासा चलता भी है. इसलिए आप महंगा इनक्यूबेटर ख़रीदने में बिल्कुल पैसा बर्बाद ना करें. और मेरा गाइस एट द एंड टोटल मेरा 17 चिक्स हैच हुआ था, जो कि बहुत खुशी की खबर है मेरे लिए. एक अंडा तो ख़राब निकला, एक अंडे के मतलब हाफ डेवलपमेंट के बाद ही मतलब वो डेवलपमेंट होना बंद हो गया और एक अंडे के अंदर बच्चा मुझे मरा हुआ मिला. उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा. तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले. अल्लाह हाफिज़.